डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक से क्लास 12 के लिए इंटीग्रेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये इंटीग्रेशन चैप्टर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन किया है। चलिए अब उसके आगे एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ हम लोगों ने थ्योरी भी पिछले क्लास में पढ़ा था और कुछ थ्योरी बाकी रह गई थी। चलिए उस थ्योरी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ हम लोग पहले 7.4 का थ्योरी पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, और फिर से आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के लिए थ्योरी आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 7.4 के एक्सरसाइज में थ्योरी में हम लोग पहले कुछ थ्योरी में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। उन फार्मूले को आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, क्योंकि पूरा का यूज है हमारा इस एक्सरसाइज 7.4 में, ठीक है। चलिए उसके बाद बाकी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो टॉपिक्स लिया जाए, टू इंपोर्टेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए अब दो सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टाइप्स का इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। जरा लाइट आया है, इसको हम सीधा कर लेते हैं लाइट को, ताकि आपको क्लियर दिख सके, है ना। जस्ट वेट। चलिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा सब चीज, ठीक ना। तो ये दो इंपोर्टेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है। अब ये टू टाइप ऑफ इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन कौन कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट इंटीग्रेशन 1/ax² + bx + c (dx). अगर दोस्तों ऐसा रहेगा, या फिर इंटीग्रेशन 1/√(ax²) + bx + c (dx), अगर ऐसा रहेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे यहां पे, देखिए पुट करेंगे यहां पे (ax²) + (bx) + c, ठीक है, = a, और ब्रैकेट (x + b/2a)² + c/a - (b²)(4a)², ठीक है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज सीखना है दोस्तों। अब ये चीज क्या है जरा समझिए। एक्चुअली में दोस्तों, ये जो इंपोर्टेंट टाइप का इंटीग्रेशन है, तो जरा इसको अच्छा से समझना भी हम लोगों के लिए जरूरी है। ये टू इंपोर्टेंट तरह का इंटीग्रेशन कैसे बन पा रहा है, कैसे बनेगा, तो अगर दोस्तों क्वेश्चन में 1/ रहे, ऊपर 1 फिक्स रहे और नीचे कोई द्विघात समीकरण रहे, वो द्विघात समीकरण (ax²) + (bx) + c, ठीक है, क्या रहे, (ax²) + (bx) + c रहे, या फिर दोस्तों √ में रहे। ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन जैसे पहला वाला जो हम लोगों को, तो दो गो रूल है इसमें, दो गो इंपोर्टेंट तरह का इंटीग्रेशन है। पहला हम लोग सीख रहे हैं कि अगर ऊपर 1 रहे और नीचे कोई द्विघात समीकरण रहे, द्विघात समीकरण का मतलब कि (ax²) यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर (ax²) + (bx) + c रहे, ऊपर में 1 रहे लेकिन या फिर हर में रूट में रहे, रूट में करके, और (ax²) + (bx) + c रहे, ठीक है। तो अगर रूट में रहे या फिर रूट से बाहर रहे, लेकिन हम लोगों को क्या रहना चाहिए, तो द्विघात समीकरण रहना चाहिए दोस्तों।
अगर द्विघात समीकरण रहेगा तो हम लोग इस द्विघात समीकरण के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, तो a ब्रैकेट x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर का ब्रैकेट और पूरा का, यानी कि a जो है सबसे पहले बाहर हो जाएगा, ठीक है, a जो है सबसे पहले बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि हम लोग सर इसका यूज कैसे करेंगे, चलिए हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं इस पे करके, ठीक है। दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि फार्मूला हम लोग पहले पढ़े थे ना कि वन बटा या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, या रूट में रहेगा तो भी कैसे करते हैं और बिना रूट में रहता है तब पर भी कैसे करते हैं। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि अगर वन बटा अगर इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स रहे तब हम लोग कैसे करते हैं, ये चीज रूट में रहे तो कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो कैसे करते हैं, और वही नहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि वो हम लोग अलग अलग स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने के लिए ये फार्मूला को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अभी आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर इस फार्मूले को यूज कहां करना है, दिखाते हैं। इस ध्यान रहे ये पहला हम लोगों को इंटीग्रेशन है, दूसरा भी हम फिलहाल सीखने वाले हैं, तो पहला वाला का यूज कहां करेंगे, ऊपर में वन रहेगा और नीचे में द्विघात समीकरण रहेगा, अगर रूट में रहेगा फिर भी, बिना रूट में रहेगा फिर भी, ये फार्मूला है यूज करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन दिया कि आप इंटीग्रेट करो भाई, किसका इंटीग्रेट करो दिखाते हैं, तो इंटीग्रेट बोल रहा है कि वन बाई रूट अंडर एट प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए ये जो दोस्तों है ना क्वेश्चन, आप ये समझो कि आखिर ये किस रूल पे आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ऊपर वन है, डीएक्स है, रूट में द्विघात समीकरण है। तो अब इस द्विघात समीकरण के जगह पे सबसे पहले आपको पुट करना पड़ेगा, यानी कि यहां पे हियर यहां हम लोग पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, तो 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर, यानी कि पहले आपको द्विघात समीकरण के बराबर कुछ लिखना होगा, समझिएगा अच्छा से। ये कब करना है, जब ऊपर में वन रहे और नीचे में द्विघात समीकरण रहे, रूट में रहे तब पर भी और बिना रूट में रहे फिर भी, आपको द्विघात समीकरण को पुट करना है। पुट का मतलब होता है इसके जगह पर रखना, तो क्या रखेंगे, तो सबसे पहले a, तो इसमें अगर बात किया जाए इसमें तो a और b और c का मान आपको चुनने आता था ना टेंथ क्लास में कि x स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, तो a का वैल्यू माइनस एक, x के गुणांक को b बोला जाता है और कांस्टेंट को c बोला जाता है। तो ए बी सी किसी भी द्विघात समीकरण में आप चुन लीजिए, हम चुन लिए, फिर इसको फार्मूला में पुट करना है, ए को बाहर निकालना है, तो ए को बाहर निकाल लीजिए माइनस वन ब्रैकेट, फिर क्या है छोटा ब्रैकेट एक्स एक्स प्लस बी का मान कितना है भाई, तो तीन तीन बटा टू ए, तो टू कितना है, टू तो फिक्स ना है, और इनटू कितना ए के जगह पे माइनस वन, और पूरा पूरा का क्या स्क्वायर, फिर यहां पे क्या है प्लस सी बाई ए, ठीक है। तो यहां सी कितना है एट, ठीक है, तो यहां हो जाएगा एट बाई माइनस वन, सी बाई ए हो गया, फिर यहां रखेंगे माइनस बी स्क्वायर, तो भाई बी स्क्वायर का मतलब कितना थ्री का स्क्वायर ना, तो यहां हो जाएगा थ्री का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं नाइन बटा फोर ए स्क्वायर, तो यहां फोर और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब कितना माइनस वन का स्क्वायर, तो
तो माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है वन, ब्रैकेट क्लोज। क्या करना है दोस्तों, पहले माइनस वन को वैसे ही रख देना है। अब ये एक्स है तो एक्स रख दिए, यहां पे माइनस है माइनस कर दिए। अब यहां पे माइनस क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस थ्री बाई टू होगा ना। देखो टू को माइनस वन से गुणा करेंगे तो माइनस टू, और माइनस यहां चला जाएगा तो एक्स माइनस थ्री बाई टू का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस। अब यहां पे आप देखो तो इसको इसको आप एलसीएम ले लो और इस माइनस को ऊपर भेज दो, ठीक है, एट बटा माइनस वन था ना, तो माइनस को ऊपर भेज दिए और इसको आप एलसीएम ले लो तो चार और एक का एलसीएम कितना होगा चार, एक से चार बार में कटेगा तो माइनस बत्तीस और माइनस नौ, ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। देख लो हम कोई अब पहले सीखो तुम कि आखिर ये वाला का पुट क्यों कर रहे हैं, तो बस तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम लोग आखिर ये वाला फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों द्विघात समीकरण को हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको यहां पे समझ में आ जाएगा, ये अभी माइनस वन है तो माइनस वन को बाहर ये छोड़िए अभी, ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट में है। यहां पे देखिए इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर है, इसको वैसा का वैसा ही छोड़ दीजिए, वैसा का वैसा ही छोड़ दिए, प्लस है प्लस छोड़ दिए, और ये माइनस बत्तीस और माइनस नौ मिलके माइनस इकतालीस बटा चार नहीं हो गया, हो गया ना, माइनस बत्तीस और माइनस नौ माइनस इकतालीस और बट्टा में चार, ठीक है। अब क्या करो भाई कि जो बाहर है ना, जो बाहर माइनस वन है उसको आप अंदर कर लो, तो आप अंदर करोगे तो माइनस वन को इससे साथ गुना करेंगे ये बनेगा माइनस एक्स माइनस थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस जो है इससे गुना हो गया, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस इकतालीस बटा में चार। नहीं, अब इसी को दोस्तों हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो जरा ऊपर से फिर मिटाते हैं, सॉरी यहां से मिटाते हैं, ये तो वही का वही है, ठीक है, यहां से मिटाते हैं, इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना, इसी को सॉल्व करते करते ना नीचे आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, यहां पे प्लस वाला को पहले लिख दे थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, तो यहां हो जाएगा इकतालीस बटा में चार, और ये माइनस में लिखा जाएगा एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों आप ये समझो कि हमको तो स्क्वायर का फार्मूला याद ना है, तो आप इसको स्क्वायर में तोड़ लो, दोनों को स्क्वायर कर लो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं रूट इकतालीस और बटा में दो का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, अरे कॉन्स्टेंट है तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में बना लिए, तो ये रूट इकतालीस है तो रूट इकतालीस का स्क्वायर इकतालीस और दो का स्क्वायर कितना चार, यानी इसको स्क्वायर के रूप में चेंज कर दिए, और यहां हो गया माइनस एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि ये जो एट प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके जगह पे हम लोग वो वाला फार्मूला जो अभी अभी तुरंत पढ़े हैं पहला वाला फार्मूला, उसको यूज करके इतना के जगह पे हम इतना रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, आप रख लो भाई क्या आएगा। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे इंटीग्रेशन वन बटा ये पूरा रूट है। अब ये एट प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे हम कितना रख सकते हैं, तो इसको रख सकते हैं रूट इकतालीस बटा में दो का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री बाय टू का होल स्क्वायर डीएक्स, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो अब आपको पता चल गया ना कि आखिर वो फार्मूला पढ़ने का क्या फायदा है, तो वो फार्मूला पढ़ने का फायदा है कि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में अलग अलग कर देता है, यानी कि जो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं वो बहुत बढ़िया काम करता है, किसी भी द्विघात समीकरण को ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के प्लस माइनस में तोड़ के हमें दे देता है, हम उसके जगह पे रख देते हैं और बस फार्मूला लगा देते हैं।
यानी कि अभी जो फार्मूला हम लोग लगाए ये द्विघात समीकरण को इस रूप में तोड़ दिया, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को जो इस रूप में तोड़ा तो हम लोग को फार्मूला याद आना चाहिए। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, कौन सा फार्मूला भाई दिखा देते हैं, अभी स्टार्टिंग है आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ऊपर देख लो वन और ये रूट है तो रूट चढ़ा दिए, ये कॉन्स्टेंट न है तो इसको लिख दिया ए स्क्वायर माइनस, ये एक्स न है तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देख लो भाई ए रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, समझ में आया, यही ना होता है। तो आप देख लो कि यहां ए के जगह पे कितना है, तो ए के जगह पे आपको पता चल रहा है रूट इकतालीस बटा दो है, नहीं ए के जगह पे रूट इकतालीस बटा दो, और एक्स के जगह पे कितना है तो एक्स के जगह पे दोस्तों आपको पूरा है यानी कि एक्स माइनस थ्री बाई टू है ना, एक्स के जगह पे एक्स का स्क्वायर फार्मूला में होता था तो यहाँ एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर है, तो ये एक्स के जगह पे हो गया एक्स माइनस थ्री बाई टू। तो अब आप इसका फार्मूला देख लो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों को सिंपल वे में आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स के जगह पे कितना रखेंगे एक्स माइनस थ्री बाई टू बटा ए, तो ए के जगह पे रूट इकतालीस बटा में टू, और एक्स का गुणांक क्या है तो एक्स का गुणांक वन है ना, तो वन से डिवाइड कर देते हैं। तो जब एक्स का गुणांक वन है तो वन से डिवाइड करें या ना करें बात बराबर है, अगर यहां पे टू रहता टू एक्स तब हम लोग क्या करते टू से पूरा को डिवाइड कर देते हैं, और नहीं तो सिंपल यहां वन बाई टू लिख देते हैं साइन इनवर्स इतना। तो कुल मिलाकर हमें वन से डिवाइड करना है, तो आप वन से किसी को भाग करें या ना करें बात बराबर है। जैसे कि हम बोले अठारह को एक से भाग कीजिए, तो आप अठारह को एक से भाग कीजिए या सिर्फ अठारह लिखिए, दोनों बात तो बराबर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक्स का गुणांक फिर बाद में देखना पड़ता है कि एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक वन है तो वन से डिवाइड कर दिए, हालांकि वन से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर नीचे वाला बट्टा में रहता है तो ये नीचे वाला टू ऊपर चला जाता है, तो हम लोगों को अब कैसा बन गया, तो आंसर कुछ इस तरीके से दिखाएगा साइन इनवर्स टू जब ऊपर चला गया तो टू हो गया एक्स माइनस थ्री बाई टू और बट्टा में रूट इकतालीस प्लस सी, और टू को एक्स से गुना करेंगे तो साइन इनवर्स टू एक्स, साइन इनवर्स टू एक्स, टू को एक्स से टू एक्स और माइनस टू से टू तो कैंसिल हो गया तो थ्री बट्टा रूट इकतालीस प्लस में सी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो अब इसके यूज से आपको पता चल गया होगा, क्या पता चला कि कोई भी इंटीग्रेशन रहे ऊपर में दोस्तों अगर वन रहे, ठीक है, और नीचे में अगर कोई भी द्विघात समीकरण रहे, ध्यान रखिएगा ऊपर में वन रखना चाहिए, ऊपर में वन रहना चाहिए, तो आप यही फार्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर में वन रहेगा और नीचे अगर द्विघात समीकरण रहेगा तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कौन सा, यही जो पुट करने वाला फार्मूला, ठीक है। चलिए अब दूसरा तरह का देखते हैं सवाल, पहले दूसरा तरह का फार्मूला, ये फर्स्ट था, फर्स्ट का एग्जाम्पल भी होगा, चलिए सेकेंड देखते हैं, फिर सेकेंड का हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। चलिए तो सेकेंड फार्मूला क्या है जरा देख लेते हैं। तो सेकेंड फार्मूला कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि अगर दोस्तों हम लोगों को ऐसा कुछ आए कि ऊपर में रैखिक समीकरण रहे जैसे dx प्लस ई, ठीक है, और नीचे रहे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू dx, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन dx प्लस ई रहेगा और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू dx। देख लो यहां पर रूट, देख लो दोनों को अच्छा से समझो, अभी इसके पिछले जो फार्मूला पढ़े हम लोग
वहां पे फिक्स होता था ऊपर में वन, ऊपर में वन, नीचे में द्विघात समीकरण या फिर द्विघात समीकरण का वर्गमूल, तब हम लोग उसको तोड़ते थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर ऊपर में कोई रैखिक समीकरण हो, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब x का अधिकतम पावर वन होना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं ना टेंथ क्लास में कि किसको रैखिक समीकरण कहते हैं, किसको द्विघात समीकरण कहते हैं, किसको त्रिघात समीकरण कहते हैं, किसको चतुर्थ घात कहते हैं। तो घात को पहचानने के लिए आप हमेशा उस समीकरण का अधिकतम पावर देखिए। तो यहां पे अधिकतम पावर ऊपर में x का कितना है, वन, तब हम इसको बोलेंगे कि ऊपर जो है रैखिक समीकरण है, ऊपर जो है रैखिक समीकरण है। लेकिन नीचे क्या है, नीचे वाले हर में x का अधिकतम पावर दो है, तब हम इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। नीचे में द्विघात समीकरण रहे, यानी कि आप समझ लो जो हम लोग पहले वाले फार्मूला पढ़े वो कब लगाना है, जब अंश में एक रहे और हर में द्विघात समीकरण रहे, चाहे वो रूट में रहे चाहे बिना रूट में रहे, तब हम लोग ऐसा ही सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम लोगों को, अगर हम लोगों को ऊपर में रैखिक समीकरण हो और नीचे में द्विघात समीकरण हो, चाहे वो रूट में हो चाहे बिना रूट में हो, लेकिन इसका पहचान क्या है, ऊपर रैखिक समीकरण रहता है, तब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो हम लोग पुट करते हैं, पुट डीएक्स प्लस ई के जगह पे, डीएक्स प्लस ई के जगह पे क्या पुट करते हैं, तो हम लोग यहां से कैपिटल ए, कैपिटल ए ब्रैकेट डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डीएक्स प्लस टी और बटा डीएक्स प्लस, इसको डिफरेंशिएशन कर दिए और प्लस बी कर दिए, इसको पुट किया जाता है। यानी कि ऊपर वाला जो रैखिक समीकरण रहता है, ऊपर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं, और पुट करने के बाद ये जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है ना, इसका वैल्यू निकालते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देख लो सबसे पहले आप समझो कि अगर किसी इंटीग्रेशन में, किसी भी इंटीग्रेशन में अगर ऊपर रैखिक समीकरण रहे और नीचे अगर द्विघात समीकरण रहे, तो हम लोग क्या पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पुट करते हैं, हम लोग पुट करते हैं रैखिक समीकरण बराबर, यानी कि जो ऊपर वाला समीकरण रहता है उसके बराबर कैपिटल ए, कैपिटल ए ध्यान देना है, कैपिटल ए और इनटू में नीचे वाला का डिफरेंशिएशन और प्लस में कैपिटल बी, ठीक है। अब इसका फार्मूला का यूज करके ए और बी का मान निकालना है, ठीक है, ए और बी का मान निकालना है, और फिर निकालने के बाद प्रोसेस बताते हैं क्या है। तो ये आप फार्मूला नोट कर लीजिए। अब इस फार्मूला को कैसे लगाना है जरा देख लीजिए, अच्छे से समझिएगा। तो इसके, इस फार्मूला के रूप में हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस थ्री, जैसे मान लिया इंटीग्रेशन है क्वेश्चन का कि x प्लस थ्री है, ठीक है, बटा में, बटा में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स। देख लो आप बढ़िया से क्वेश्चन को देख लो भाई, ऊपर में हमारा रैखिक समीकरण है, नीचे में द्विघात समीकरण है, तब हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोग पढ़े में है कि ऊपर वाला जो रैखिक समीकरण डीएक्स प्लस ई होगा, उसके जगह पर हम लोग ऐसा कुछ पुट करेंगे। यानी कि दोस्तों किसी भी इंटीग्रेशन में अगर ऊपर रैखिक समीकरण होगा और नीचे द्विघात समीकरण होगा, तो सबसे पहले पुट करते हैं रैखिक समीकरण बराबर x प्लस थ्री बराबर कैपिटल ए लिखा जाता है, और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन यानी कि द्विघात समीकरण का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन कर दिया और फिर प्लस बी लिख दिया। तो अब आपको यहां से
ए और बी का वैल्यू निकालना है। अब ए और बी का वैल्यू कैसे निकालना है जरा देखिए। तो यहां क्या है, x प्लस थ्री बराबर ए, और इसको डिफरेंशिएशन करके कितना आएगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और माइनस 2x का माइनस 2 और प्लस में b, ठीक है। तो यहां पे देख पा रहा होंगे कि x प्लस थ्री बराबर a से गुना कर दीजिए तो ये कितना होगा 2ax, ठीक है, 2ax माइनस 2a और प्लस b। अब यहां के बाद से आपको सोचना है, क्या सोचना है देखिए, अब a और b का कैसे मान निकालेंगे, तो यहां x वाला एक ही गुना है, x वाला सिर्फ ये है और x वाला सिर्फ ये है। तो दोस्तों बराबर के दोनों साइड को देखिए तो x वाला हमेशा x वाला का बराबर होता है, x वाला हमेशा x वाला के साथ बराबर होता है। तो आपको हियर यहां पे क्या पता चल रहा है कि x वाला का गुणांक यहां पे कितना है, x का गुणांक यहां पे कितना है 1। x वाला देख लो भाई, हमेशा जो है ना x स्क्वायर का गुणांक बराबर होता है, यानी कि दोनों तरफ हम लोग कैसे यहां a और b का मान निकालेंगे थोड़ा सा यहां ट्रिकली है वो समझो अच्छे से। हम लोग यहां पे a और b का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा एक अलग मेथड का यूज करते हैं। मेथड क्या है कि बराबर के दोनों साइड x वाला का बराबर होगा, बिना x वाला का बराबर होगा, और x स्क्वायर के साथ बराबर होगा, x क्यूब के साथ बराबर होगा, बिना x वाला के साथ बराबर होगा। समझो यहां x वाला एक ही गो है ना, यहां x वाला एक ही गो है और तो कोई x वाला नहीं है, तो x वाला हमेशा x वाला के साथ बराबर होता है। तो यहां x का गुणांक कितना है 1 बराबर, यहां x का गुणांक कितना है 2a, तो ये हो गया 2a, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। अब देख लो कि यहां बिना x वाला कितना है, सिर्फ एक ही गो है जो बिना x के साथ है, इसमें कोई x नहीं लगा हुआ है, ऐसा सिर्फ क्या है 3 है, ऐसा सिर्फ क्या है 3। और इधर आप देखिए तो बिना x वाला कौन कौन है, तो बिना x वाला माइनस 2a भी है और बिना x वाला b भी है, समझ रहे हैं। तो यहां पे बिना x वाला माइनस 2a और बिना x वाला प्लस b, तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अभी आपके पास दो समीकरण आया है, एक 1 बराबर 2a ये समीकरण 1 है, और 3 बराबर माइनस 2a प्लस b ये दूसरा समीकरण है दोस्तों। तो ये दोनों समीकरण से आपको a और b का मान पुट कर लेना है, a और b का मान पुट करना है। अब a और b का मान पुट करना है तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व कीजिए कि हम लोग आखिर इसको कैसे a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर से मिटाते हैं, ठीक है। ऊपर से आप देखिए तो समीकरण 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि यहां के बाद से आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि a और b का मान कैसे निकाला जाता है। तो पहला वाला समीकरण से 1 बराबर 2a है तो a का मान नहीं पता चल गया कि 2 गुना में है तो इधर जाएगा भागा में, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अब लिखिएगा उसके नीचे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो दूसरा इक्वेशन क्या है 3 = -2a + b, a की जगह पे कितना रखना है 1/2, तो यहां हो जाएगा 3 का 3 - 2, a के जगह पे रखेंगे 1/2 और b के जगह पे b, तो 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो 2 से जो 2 कट गया तो यहां पे क्या बच रहा है 3 बराबर -1 और प्लस में b, तो ये -1 इधर आएगा तो b का मान कितना हो जाएगा 4, ठीक है, b का मान कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से दोस्तों a और b का मान निकाल लेना है, ठीक है। ये a और b का मान कब निकालना है समझ गया ना,
जब ऊपर रैखिक समीकरण रहे और नीचे द्विघात समीकरण रहे तब, ठीक है। अब आपको क्या करना है जरा समझिए। अब चूंकि आपको ये वाला डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आपको मिल रहा होगा, हम लोगों को यही ना मिला है, जरा आप सवाल देखते हैं कि सवाल क्या था और हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ है। अब लिखिएगा फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से चलिए, तो क्वेश्चन हम लोगों को क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल क्या था, इंटीग्रेशन करो। किसका इंटीग्रेशन, तो x प्लस थ्री बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स, यही था ना हम लोगों का क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव। चूंकि वी हैव टू पुट, हम लोगों ने पुट किया है, क्या पुट किया है, तो एक्स प्लस थ्री बराबर कैपिटल ए ब्रैकेट में टू एक्स माइनस टू और प्लस बी पुट किया है यहां पे, यानी कि हम लोगों ने पहले ही पुट किया है x प्लस थ्री इज इक्वल टू कैपिटल ए और ब्रैकेट में 2x माइनस टू प्लस में बी, हम लोगों ने ये पहले ही पुट कर लिया है। तो जब पहले ही पुट कर लिया है तो अब हम लोगों को यहाँ पे a और b का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, a का वैल्यू कितना आया है 1/2 एंड b का वैल्यू कितना आया है 4, ठीक है। तो अब यहां पे आप करिए क्या, यहां पे आपको करना क्या है, सिंपली a और b का तो वैल्यू निकाल लिए। तो चूंकि अभी हम लोग दिखाया ना कि ऐसा क्वेश्चन में हम लोगों को आया था डिफ्रेंसिएशन करके, अब हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना भाई, x प्लस थ्री और a के जगह पे कितना आया है 1/2 और ब्रैकेट 2x माइनस टू और प्लस में b, सॉरी प्लस b मतलब का प्लस 4, ठीक है। अब आपको क्या कीजिए, नाउ अब हमको अलग तरीके से इंटीग्रेशन दिखने लगा, इंटीग्रेशन ये x प्लस थ्री है तो इस x प्लस थ्री के जगह पे आप इसको रख लीजिए, कितना ऊपर में रख दिए 1/2 ब्रैकेट 2x माइनस टू प्लस 4 और बटा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव और dx, ठीक है। दोस्तों आपको अब करना क्या है, हम लोग सीखे हुए हैं ना कि जब प्लस और माइनस में इंटीग्रेशन रहता है तो उसको अलग अलग तोड़ देते हैं, तो इसको अलग अलग तोड़िए, तो क्या बनेगा 1/2 टू एक्स माइनस टू बटा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4 बटा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहां के बाद से दो को जो मेरा इंटीग्रेशन आएगा, दोनों इंटीग्रेशन को मान लेंगे, पहला को हम मान लेंगे आई वन, थोड़ा सा ये ज्यादा लंबा हो जाता है तो पहला वाला को हम आई वन मान लेंगे और दूसरा वाला को हम आई टू मान लेंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहां से हम I1 को इंटीग्रेशन अलग करेंगे और I2 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे और बाद में हम लोग क्या करेंगे, तो इस I1 और I2 को हम लोग फिर बाद में ऐड कर लेंगे, यानी कि I1 और I2 का जो हम लोगों को आएगा आंसर, पहले हम लोग I1 को सॉल्व करेंगे फिर I2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो दो पार्ट में अलग अलग आया I1 I2 को अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो सिंपल आपको हम आइडिया दे देते हैं सिर्फ और आप खुद इसको सॉल्यूशन कीजिएगा और बाद में I1 और I2 का मान निकाल कर इसको ना ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं I1 से, ठीक है। तो आप I1 को अलग सॉल्व कीजिए, I2 को अलग सॉल्व कीजिए और फिर बाद में जब आंसर मेन आंसर करना होगा तो दोनों को ऐड कर लीजिए। तो I1 क्या है, तो I1 ऐसा है 1/2 ब्रैकेट 2x माइनस 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इंटू डी। दोस्तों जो पहला वाला हम लोगों को आएगा वो बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए, नीचे वाला को टी मान लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टी,
तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 2x - 2 dx = dt। ठीक है, ये हम लोगों को मान लेंगे तो पहला वाला I1 सोल्व हो जाएगा आसानी से। इंटीग्रेशन 1/2 तो 1/2 रहेगा। ठीक है, अब 2x - 2 dx के जगह पे क्या रख सकते हैं, dt। तो ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया t, और 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए, और नीचे बचेगा 1/t dt। तो यहां हो जाएगा 1/2 log t + c। तो यहां पे आप कर लीजिएगा आंसर क्या होगा, 1/2 log और t, तो t के जगह पे x² - 2x + 5 और प्लस, यानी कि log के अंदर हो जाएगा। तो उसके बाद करना क्या है, ये हम लोगों को I1 का आंसर आया, फिर I2 कैसे करेंगे, तो I2 को करने के लिए आइडिया दे देते हैं। हम लोगों को I2 क्या आया, जैसे I1 आएगा फिर उसी तरीके से I2 भी आएगा, और फिर I1 और I2 को अलग अलग हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहां पे हम I2 को देख पा रहे होंगे, तो I2 क्या है, 4 upon x² - 2x + 5 dx। ठीक है, उसके बाद करेंगे क्या, 4 एक कांस्टेंट है तो 4 को हम लोग बाहर करेंगे इंटीग्रेशन से, तो 4 को बाहर करेंगे तो अब क्या बचेगा, तो 1/x² - 2x + 5 dx। दोस्तों यहां के बाद आपको करना क्या है, अब तो पता चल गया ना कि ये 4 को जैसे ही बाहर निकालें तो अब हम लोगों का वही रूल पे आ गया जो हम लोग पहले वाला रूल पढ़े। ठीक है, पहले वाला रूल जो पढ़े कि ऊपर में सिर्फ 1 रहेगा, नीचे में द्विघात समीकरण रहेगा dx। तो इस द्विघात समीकरण को उस फार्मूला पे तोड़ेंगे, a को बाहर निकालेंगे, x - b/2a² यानी कि इस फॉर्म पे तोड़कर आप फिर x² + a² या x² - a² जो कुछ भी आएगा इसको उसी फार्मूला पे तोड़कर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से I2 भी हम लोगों का लंबा जाएगा, क्योंकि इस द्विघात समीकरण को हम लोग तोड़ेंगे x² और a² में। क्यों, क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे द्विघात समीकरण है और dx है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ते हैं, I2 आप खुद से बनाइएगा और बाद बाकी हम लोग अगले दिन इसका सही आंसर कर देंगे या फिर बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।